हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब्स पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। मैनेजर, ऑफिसर, डेप्यूटी मैनेजर और भी पोस्ट है यहाँ पे। सैलरी 1,40,000 उससे भी ज़्यादा है, ऑल इंडिया जॉब है। फ्रेशर भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों, जॉब टाइप परमानेंट रहने वाली। तो वीडियो को लास्ट से ध्यान से देखिएगा, सारे डिटेल बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन वगैरह, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 25 अक्टूबर की, और देख सकते हैं यहाँ पर लेटर सिलेक्शन जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन है, यहाँ पे ऑफिसर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या मांगा गया है, कैसे है। तो डिटेल्स है, पोस्ट कैसे हैं देख सकते हैं। तो पहला जो पोस्ट है यहाँ पे, सीनियर टेस्ट पायलट या टेस्ट पायलट FW, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं, टोटल देख सकते हैं, और ये कैटेगरीज वाइज सीटें हैं। और फिर है चीफ मैनेजर सिविल, सीनियर मैनेजर सिविल, सिविल और IIM, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है, किस ग्रेड पे की जॉब है, डिप्यूटी मैनेजर। और फिर बात करें इंजीनियर की पोस्ट है, 9 पोस्ट है, डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, फाइनेंस ऑफिसर, डिप्यूटी मैनेजर HR, लीगल, और ये सब जो है परमानेंट पोस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर लैंग्वेज के, फायर ऑफिसर, आप सबका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो बैकलॉग वैकेंसी 3 है यहाँ पे, ये बात ध्यान देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आइए देखते हैं मेन क्या है, कैसे है। तो जो चीफ इंजीनियर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, लेवल 5th, 4th और 3rd वाली, इसमें आपकी डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर AMI कर रखा है आपने। नेक्स्ट जो है वैकेंसी, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इंजीनियर, अगर आपने BTech कर रखा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन या अप्रोप्रिएट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस या फाइनेंस ऑफिसर में, आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, एग्जामिनेशन ऑफ CICW, आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर भी, डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में बैचलर डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, PG, डिप्लोमा, MBA, MS, WMA, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डिप्टी मैनेजर लीगल में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर बैचलर डिग्री है 10+2+3+3। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में डिप्टी, और यहाँ पे आपने जो है अगर MBA कर रखा है BTech के साथ, आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर MI कर रखा है। फिर है सिक्योरिटी ऑफिसर, सक्सेसफुली कम्प्लीशन 10 मंथ्स प्री कमीशन ट्रेनिंग कर रखा है, ठीक है। क्वालिफाई अंडर 5 ईयर अप्लीकेशन अंडर गो, इस तरह से आप यहाँ पे इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ऑफिसर लीगल में, ऑफिसर हिंदी में, तो आपका बैचलर डिग्री है, और इसके साथ आपने जो है कैंडिडेट शुड हैव 1 फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, इलेक्टिव हो तभी चलेगा। फायर ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री फायर इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर डिग्री फायर इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, 5 एसोसिएट मेंबर और दिया गया, देखेंगे। डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पार्ट बी में ग्रेजुएट है साइंस BSc, आप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम सर्विस कॉम्प्लेक्स में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ब्रांचेज कौन कौन से एलिजिबल है देख सकते हैं वो भी, इंजीनियर कस्टम सर्विस कॉम्प्लेक्स ऑफिसर डिप्टी मार्केटिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन में, इतने सारे ब्रांचेज एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा अपना ब्रांच देख के, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस PPQ क्या है कैसे है वो ध्यान से देख लीजिए, कितना मांगा गया है। तो चीफ जो है, चीफ मैनेजर सिविल में 12 पोस्ट है, इसमें 3 साल की जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्टी मैनेजर वगैरह में। इंजीनियर में 2 साल का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर वगैरह में 3 साल का है, ठीक है। ऑफिसर, ऑफिसर लैंग्वेज, इंजीनियर कस्टम सर्विस कॉम्प्लेक्स में 2 है, और फायर सर्विस में 2-2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, ध्यान से देख लेंगे। फाइनेंस ऑफिसर में मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, फॉर्म ध्यान से भरिएगा। और अप्लीकेबल वर्किंग इन सेंट्रल, स्टेट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्वेसी गवर्नमेंट, एटोनॉमस बॉडी, आर्म फोर्स है, तो उनको प्योरिटी मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 है, सेकंड में जो है 45, और 5वें 6वें लेवल में 48 है यहाँ पे। OBC नॉन क्लीम मिलने का अलग से दिया गया है, SST का अलग से दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको छूट मिलने वाली है, और आपका OBC सर्टिफिकेट जो है 30/11/2023 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ग्रेड 2 की 40 से 1,40,000, 17 स्केल के हिसाब से, 3rd की 50 से 60, 4th की जो है 60 से 80, इस तरह से काफ़ी अच्छी एनुअल इंक्रीमेंट 3% जो है कि बेसिक पे के हिसाब से होने वाला है यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन पेमेंट, ₹500 फीस लगेगा आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिसाब से आपको देना होगा। अप्लाई करने का लिंक मैं दे दूँगा, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट में फॉरवर्ड देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलोइंग एड्रेस, आपको इस एड्रेस पे
फॉर्म को डाउनलोड करके भेजना होगा चालान के साथ या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट बताएंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना NOC वगैरह सब आपको भेजना होगा, ध्यान रखें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं, फॉर्म में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो HR लेटर ईमेल भी कर सकते हैं आप उनको अगर कुछ डाउट होता है तो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जरूर से विजिट कर लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, जय हिंद।